हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय यादव आप सभी का एसडीवाई करियर इंस्टीट्यूट्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एक ऊर्जा के रूप को दूसरे ऊर्जा के रूप में हम कैसे परिवर्तित करेंगे, उस को परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यह अक्सर एग्जामों में लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी ऐसे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें जीएस का पोर्शन होता है, जिसको जीके भी कहते हैं जीएस भी कहते हैं, उसमें आपका इससे क्वेश्चन आता ही रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा के किस रूप को दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है और उस ऊर्जा के रूप को परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस तंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह है डायनमो। याद रखेंगे, डायनमो जनरेटर में आप देखते होंगे डायनमो लगा होता है, और डायनमो जो होता है ना वह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा दिया है कि इसी का उल्टा दिया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे आप घरों में देखते हैं ना विद्युत मोटर लगी होती है, विद्युत मोटर, मोटर कहते हैं ना मोटर चला दो पानी मिल जाए, तो विद्युत मोटर मिला यानी विद्युत मोटर से विद्युत मिला और विद्युत को किसमें परिवर्तित कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर रहा है। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य क्या करता है, विद्युत मोटर। तो ये हो गया आपका विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। इसी तरीके से दिया है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, वह है आपका माइक्रोफोन। क्या है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का यूज क्या है, माइक्रोफोन क्या करता है, वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऐसे ही प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आप घरों पर सोलर सेल लगाए होते हैं, सोलर सेल का काम क्या है, सौर से एनर्जी लेकर उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो उसको हम कहते हैं कि सेल, सौर सेल जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऐसे ही रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, लाइट जब नहीं आती है तो क्या जलाते हैं, मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, लेकिन जब उसको जलाते हैं तो प्रकाश के रूप में बदल जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, मोमबत्ती, मोमबत्ती। और भी इसके एग्जाम्पल है लेकिन सिंपल से आप देख सकते हैं मोमबत्ती जो होती है क्या होता है, अक्सर एग्जामों में दे देता है मोमबत्ती, मोमबत्ती का काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट दिया कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। यहाँ क्या था, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए आप माइक्रोफोन का यूज करते हैं, लेकिन उल्टा अगर कर दिया जाए विद्युत ऊर्जा को बदलने के लिए किसमें, ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं, लाउड स्पीकर का, किसका, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर का प्रयोग हम कहां करते हैं, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा बदलने के लिए हम लाउड स्पीकर का यूज करते हैं, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा बदलने के लिए किसका यूज करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा बदलने का काम क्या करता है, यह है आपका सितार। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जामों में एक तरफ आपका दे देता है ऊर्जा का रूपांतरण, और ऊर्जा का रूपांतरण किस उपकरण से होता है, उपकरण दे देता है और उसको मैच करना होता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, जिससे आपके क्वेश्चन लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। ऐसे ही हम छोटे छोटे पार्ट में महत्वपूर्ण जो सभी एग्जाम, चूंकि अब हमें कितना पढ़ना ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या पढ़ना है ये महत्वपूर्ण है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें विद्वान नहीं बनना है, बल्कि हमें बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है, कि हमको क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और अब स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। कितना पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, क्या पढ़नी है ये जरूरी है। तो जिस पार्ट से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है, महत्वपूर्ण होते हैं, जहां से अधिकतम क्वेश्चन आते हैं, उन सभी पार्ट को हम छोटे छोटे वीडियो के रूप में लेकर आते रहेंगे, जिससे आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।